let me welcome you all to my study channel psrm study. in our previous class we had started the series of one word substitution okay and in that very first class we just studied some words which are used for different field of studies okay in this class in today's class we will learn more new words which are used for expert and people and their qualities habits and abilities okay so in today's class we will get some more new words, and those words, those new words will deal with uh, expert and people and their qualities, habits, and abilities. Okay, so today also we will learn ten to fifteen such words. Okay, so let's start today's class with this word, chirographer Okay, chirographer an expert. इन राइटिंग बाई हैंड कीोग्राफर इज अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन राइटिंग बाई हैंड आफ्टर कीरोग्राफर वी विल लर्न ऑटोक्रैट सो ऑटोक्रैट इज अ पर्सन हु हैज अनलिमिटेड पावर और अ पर्सन विद अनलिमिटेड पावर इज नोन एज ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट मीन्स एक ऐसा आदमी जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो जो अपने ड्यूटी को लेकर किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है अर्लियर टर्म में जो हम लोग मोनार्की वगैरह के बारे में पढ़ते थे तो वो उन्हें ऑटोक्रेट्स भी कहते थे क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे ना ही अपने पार्लियामेंट के प्रति ना ही लोगों के प्रति सो ऑटोक्रेट इज अ पर्सन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर्स ओके ऑटोक्रेट वन विद अनलिमिटेड पावर इज नोन एज ऑटोक्रेट आफ्टर ऑटोक्रेट लेट्स वन मोर वर्ड दैट इज फ्यूनेम्ब्युलस्ट ओके फ्यूनेम्ब्युलट इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन रोप जो रस्सियों पर चलने वाले लोग होते हैं जैसे हम लोग देखा होगा ये कि रस्सी पर जो चलते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फ्यूनेम्ब्यूलिस्ट ओके फ्यूनेम्ब्यूलिस्ट इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन रोप जो रस्सियों पर चलते हैं उनको बोलते हैं फ्यूनेम्ब्यूलिस्ट ओके और फोर्थ वर्ड इज वन हु इज एक्स्ट्रा वेगेंटली रोमांटिकवेलरस एंड इम्प्रैक्टिकल वो ज़्यादा मौज मस्ती ऐसो आराम की ज़िंदगी जीतता है अयासी करता है ठीक है मौज मस्ती अपने फिजिक अपने प्लेजर में डूबा रहता है उसको बोलते हैं क्विक जॉटिक अ क्विक जोटिक की जब पर्सन हुई एक्स्ट्रा वेगेंटली रोमांटिक सवेलरस एंड इम्प्रैक्टिकल ओके Uh, अगला फ्रेज हम लोग देखते हैं जो आदमी अपने बुरे काम या बुरे कारणों से ज़्यादा पॉपुलर हो फेमस हो उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं नोटेरियस तो नोटेरियस इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज फॉर वेल नोन फॉर बैड क्वालिटीज बैड क्वालिटी के लिए वर्ड यूज किया जाता है जो बैड क्वालिटी के लिए फेमस हो अपने बुरे काम बुरे आचरण के लिए फेमस हो उसको बोलते हैं हम लोग नोटोरियस ठीक है ना फिर हम लोग एक अगला वर्ड देखते हैं करिजल इज द नेक्स्ट वर्ड विच मीन्स वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म अ पर्सन हु कैन नॉट बी मैंनेडेड अ पर्सन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और इम्प्रूव्ड एक ऐसा आदमी जिसको सुधारा नहीं जा सकता है ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं इनकरेजिबल इनकरेजिबल इज पर्सन हु इज बियॉन्ड एनी रिफॉर्म्स जो किसी भी हाल में नहीं सुधारा जा सकता है उसको बोलते हैं हम लोग इंकरेजिबल ओके एक और वर्ड हम लोग देखते हैं अलाउड माउथ माउथ फीमेल अलाउड माउथ फीमेल इज नोन एज विरेगो मतलब एक जो बहुत ज़्यादा बोलने वाली बहुत तेज आवाज़ में बोलने वाली है जिसको हम लोग झगड़ालू औरत कह सकते हैं तो जो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलती हो बहुत ज़्यादा बोलती हो ठीक है ना उसको हम लोग बोलते हैं विरेगो सो so, विरेगो इज अ लेडी फीमेल हु इज लाउड माउथ ओके इनकरेजिबल इज अ पर्सन हु इज बियॉन्ड एनी रिफॉर्म्स और हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड फिर हम लोग ना एक फ्रेज और देखते हैं एक सेंटेंस और देखते हैं अ पर्सन परफेक्टली हाई स्किल्ड रिच द जेनिथ ऑफ आर्ट एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा स्किलफुल हो और जो आर्ट के बिल्कुल टॉप पे एक पर किसी भी पर्टिकुलर आर्ट में वो बिल्कुल परफेक्ट हो टॉप पे हो सो अ पर्सन परफेक्टली हाई स्किल्ड रिच द जेनिथ ऑफ आर्ट इज नोन एज कंज्यूमेट कंज्यूमेंट इज अ प परसन पर्सन इन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ आर्ट किसी भी आर्ट के फील्ड में जब कोई बिल्कुल टॉप पे होता है पीक पे होता है बेस्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमेट सो कंज्यूमेट इज परफेक्टली हाई स्किल्ड हु हैज रिस्ट द जेनिथ ऑफ आर्ट ओके सो हम लोग ये सेंटेंस के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं परफेक्टली हाई स्किल्ड हैज रिस्ट द जेनिथ ऑफ आर्ट इज नोन एज कंज्यूमेट ओके आफ्टर कंज्यूमेट वी हैव सेंटेंस वी हैव न्यू वर्ड दैट इज क्रेडियोलस सी क्रेडियुलस इज अ प परसन हु इजली बिलीव अदर्स एक ऐसा आदमी जो आसानी से दूसरों पे भरोसा कर लेता है जो दूसरों पे बहुत जल्दी से भरोसा कर लेता है काइंड पर्सन में भी इधर इनोसेंस और सिले ऐसे आदमी को आप कह सकते हो या तो वो बहुत मासूम है कोई आदमी बहुत भोला वाला है जो तो सभी पर इजिली ट्रस्ट कर लेता है या फिर वो बहुत ज़्यादा मूर्ख आप कह सकते हो ठीक है बहुत ज़्यादा सिली कह सकते हैं उसको दो ही तरह के लोग होंगे खैर जो भी ये लोग हों हम उनके लिए वर्ड यूज करेंगे क्रेड्यूलस सो क्रेड्यूल क्रेड्यूलस इज अ पर्सन हु इजिली बिलीव्स अदर्स जो दूसरों की बातों पे बहुत जल्दी भरोसा करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रेड्यूलस ओके क्रेड्यूलस के बाद हम लोग नया वर्ड देखते हैं एम बी सी डेक्स्टर वर्ड रूट वर्ड है डेक्स्टर वर्ड जहाँ पे भी यूज करते हैं उसका मतलब हम लोग स्किल से लेते हैं ठीक है ना स्किल्स से लेंगे डेक्स्टर ओके okay? और एम बी का मतलब दो होता है सो एम बी डेक्स्ट्रस एम बी डेक्स्ट्रस को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एम बी डेक्स्ट्रस इज अ पर्सन हु कैन यूज हीज बोथ हैंड इक्वली वेल जो अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल करता हो उसको हम लोग एम बी डेक्स्ट्रस कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी कैन हैव द एग्जाम्पल ऑफ बोमन ईरानी फ्रॉम द मूवी थ्री इडियट टू हैंड्स सो इन दैट मूवी बोमन ईरानी वाज एन एमबीस पर्सन जो आदमी दोनों हाथ से काम कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फूड और वाइन का एक्सपर्ट हो या इसको हम लोग सिंपली और सेंस में भी एक्सपर्ट के सेंस में यूज कर सकते हैं ठीक है पर्टिकुलरली हम लोग इसको यूज करते हैं जो खाने पीने का शौकीन हो खाने पीने के बारे में जिसकी अच्छी जानकारी हो जिसको फूड और वाइन की बहुत अच्छी नॉलेज हो उसको हम लोग कनेशर बोलते हैं ठीक है सो कनशर इज अ पर्सन हु अ लॉट अबाउट गुड फूड एंड वाइन ओके सो कॉनसर इज अ न्यू वर्ड ऐसा आदमी जो अच्छे खाने और वाइन का एक्सपर्ट हो जिसको बहुत जानकारी हो अच्छे फूड की और वाइन की कनेशर ओके सो कॉनसर इज द वर्ड यूज फॉर अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट ऑफ गुड फूड एंड वाइन आफ्टर कन्सर वी हैव वन मोर न्यू वर्ड दैट इज इंटरपिड इंटरपिड इज अ प परसन एक्ट करेज एंड फियरलेसनेस एक ऐसा आदमी जो काफ़ी फियरलेस हो काफ़ी करेजियस हो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरपेड Okay and the last word for today's class is martinet. Martinet is a person who demands strict conformity to rules. Martinet is a person who believes in strict discipline. Okay? So martinet is a person who demands strict conformity to rule. Martinet is a person who believes in strict discipline. जो बिल्कुल इन नियम कानून के पाबंद हो जो बिल्कुल सख्ती से नियम का पालन करवाने में यकीन करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग मार्टिनेट ओके सो आज की क्लास में हम लोगों ने चौदह वर्ड सीखे हैं लोगों के स्किल लोगों के क्वालिटी या हैबिट से रिलेटेड है इन टूडेज वीडियो वी विल लर्न ओनली 14 सच वर्ड्स ओके इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव फर्दर एंड वी विल लर्न सम मोर सच वर्ड्स ओके सो आई होप यू विल नाउ इजिली अंडरस्टैंड दीज फोर्टीन टर्म्स एंड यू कैन यूज़ ऑल दीज फोर्टीन वर्ड्स इन योर स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग एंड इफ यू लाइक दीज वर्ड्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू